दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं, ये जो वैकेंसी है वो आपकी झारखंड CHO की जो वैकेंसी है, नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, ये आपका झारखंड CHO की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा दूँ, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसमें क्या दे रखा है ये हम बात करते हैं। तो ये आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर 400 पोस्ट रखी गई हैं टोटल, जिसमें से 160 है UR के लिए, EWS के लिए 40, ST के लिए यहाँ पर 104 और SC के लिए 40, BC1 BC2 कि यहाँ पर 32 और 24 वैकेंसी हैं। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है वो हम बात कर लेते हैं। तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए विद इंटीग्रेटेड आपका CPCS जो वाला है, यानी BSc नर्सिंग हो या तो कैंडिडेट या फिर पोस्ट BSc हो, उसके साथ में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए जिसका नाम है CPCH, ये कोर्स साथ में होना कंपलसरी है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा आगे, विद रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेज हैव इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड पास्ड इन इन और आफ्टर एकेडमिक ईयर, यानी इसके बाद या फिर ये 2016 में जिसने एडमिशन लिया हो, 2016 में एडमिशन लिए उस वो वाला या फिर उसके बाद में जो भी हैं वो, यानी 2016 से 2020 वाला सेशन है उसके लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाले लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है क्योंकि उस टाइम यहाँ पर CPCS जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स आपका नहीं इंक्लूड था उसके अंदर, अभी इसको इंक्लूड कर दिया इसलिए ये भी साथ में इसके इंक्लूडेड है। उसके बाद में इसमें आपको ये भी कंपलसरी है कि फाइनल एग्जामिनेशन इज हेल्ड बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई मंथ के बाद में जिसका एग्जाम हुआ है 2020 में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी जुलाई 2020 के बाद में जो भी लोग कैंडिडेट हैं वो जो जिन्होंने पास किया है नर्सिंग पास करी है BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पर 25,000 यहाँ पर सैलरी दे रखी है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो इसमें जो जनरल कंडीशन है वो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है जो कि पीरियड ऑफ 1 ईयर यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में इन्होंने दे रखा है कि रिन्यूअल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पर ये लोग 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं उसके बाद में ये रिन्यू कर देंगे। एनी क्लेम फॉर एब्जॉर्प्शन इन रेगुलर पोजिशन शैल नॉट बी एंटरटेन इन फ्यूचर, यानी कोई भी लोग और आप अप्लाई ये कोई भी उनके सामने शर्त नहीं रख सकते कि हमें परमानेंट करना है। उसके बाद में सोसाइटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल और एनी पोजिशन ऑफ एन ऑल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नंबर ऑफ वैकेंट पोजिशन में वेरी एज पर रिक्वायरमेंट, यानी सोसाइटी रिजर्व रखती है कोई भी किसी की पोजिशन को कैंसिल करने के लिए और आपके नंबर है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो सोसाइटी विल एग्जीक्यूट एग्रीमेंट ऑफ 1 ईयर बट द एग्रीमेंट में बी टर्मिनेटेड बाई एनी पार्टी विद 1 month एडवांस नोटिस, यानी आपका एक एक साल का आपका एग्रीमेंट है लेकिन इससे पहले भी वो टर्मिनेट कर सकते हैं आपको प्रायर 1 month नोटिस। उसके बाद में आगे चलते हैं क्या दे रखा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज CHO, यानी जो कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे उनको CHO की पोस्ट मिलने वाली है एंड विल बी एंटरटाइल फॉर फिक्स रिन्यूमरेशन ऑफ 25,000 एंड मैक्सिमम 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यानी जो आपकी सैलरी है वो 25,000 रहने वाली है, उसके बाद में आपको इंसेंटिव मिलेगा जो कि अप टू 15,000 तक रहने वाला है। तो ये आपकी अच्छी खासी इसमें सैलरी रहने वाली है, यानी टोटल बात करें तो इसके अंदर 40,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में आगे बात करें, रिजर्वेशन पॉलिसी जनरल सर्कुलर इश्यूड बाय डिपार्टमेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड राज्यसभा गवर्नमेंट झारखंड इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इज अप्लीकेबल, यानी जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अकॉर्डिंग टू आपकी झारखंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहने वाली है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इफ एनी एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ही सी फर्निश इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हैज सप्रेस्ड एनी मटेरियल फैक्ट कैंडिडेट सर विल स्टैंड कैंसिल, यानी कुछ भी आप अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के आप अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपको कभी भी वो कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं आगे क्या दे रखा है इन्होंने।
तो यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है, आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर की होनी चाहिए। उसके बाद में सब कैटेगरी के वाइज जो है मैक्सिमम बात करते हैं, अगर यू आर और ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट है तो 35 यहाँ पर एज दे रखी है। वहीं पे BC1 BC2 कैटेगरी के हैं वहाँ पर 37 एज दे रखी है। फीमेल यू आर BC1 BC2 के लिए यहाँ पर 38 दे रखी है। ST SC मेल फीमेल के लिए यहाँ पर 40 ईयर की जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर शैल बी गिवन टू दिव्यांगजन, यानी जो PS कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का एडिशनल आप यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट्स ऑफ झारखंड स्टेट आर क्लेमिंग रिजर्वेशन टू रिस्पेक्टिव कैटेगरी ST BC1 BC2 EWS हैव टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है अगर आप कोई भी जो कास्ट से रिलेटेड जो आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा। फॉर दिव्यांगजन कैंडिडेट रिजर्वेशन रूल्स विल बी फॉलोड एज पर सर्कुलर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यानी गवर्नमेंट झारखंड के अकॉर्डिंग आपके जो है दिव्यांगजन कैंडिडेट का रिजर्वेशन वो फॉलो करेंगे। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर देखते हैं, सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट, यानी मेरिट बेसिस पे होने वाला है, एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, ओनली मेरिट बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। सर्टेन बाय द सोर्सेज ऑब्टेन इन द फाइनल BSc एंड पोस्ट BSc थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी आपके जो प्रैक्टिकल और थ्योरी जो एग्जामिनेशन जो नंबर हैं उनको काउंट करेंगे। द कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम नंबर एज बिलो कैटेगरी, यानी ये आपकी मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा गया है, 40% फॉर UR के लिए, 40% फॉर EWS, 36.5% फॉर BC2, 34% फॉर BC1, 32% फॉर SC ST एंड ऑल कैटेगरी और 30% फॉर PGT, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ये मानेंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन बिफोर 10 जुलाई, यानी 10 जुलाई से पहले आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो फिल करनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात करें, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, दिव्यांग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ऑल जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड, यानी सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, अदर कोई सोर्स के आएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और अगर इससे ज़्यादा और कोई डिटेल चाहिए तो आपको वेबसाइट विजिट करते रहना है, jrhmsjharkhand.government.in। इसके अलावा और कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।